छतरपुर में प्रशासन की सुस्ती के कारण अपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अपराधी प्रशासन की नाक के नीचे वारदातें कर रहे हैं। 3 दिन पहले हुई सराफा व्यापारी से लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसा लगता है छतरपुर मध्य प्रदेश का क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। 3 दिन पहले सराफा व्यापारी से हुई लूटपाट का पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। ओरछा रोड के देवपुर के पास सराफा व्यापारी की बाइक में कार से टक्कर मारकर सोने चांदी सहित नगद राशि लूटकर बदमाश फरार हो गए थे, लेकिन अभी तक पुलिस बदमाशों के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है। वहीं 1 महीने पहले भी इसी तरह की वारदात सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी के साथ हुई थी, उसका भी आज तक कोई सुराग नहीं लगा है। तो इनको कुछ लोगों द्वारा लूट की घटना कारित की गई है, गंभीर मैटर था, हमने इमीडिएट इसमें 394 की FIR रजिस्टर्ड कर ली है और सभी वरिष्ठ अधिकारी SP सर सभी लोग हम लोग घटनास्थल गए थे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है और इसमें अलग अलग टीमें SP सर द्वारा बना दी गई है और संभावना की जल्दी हम इस प्रकरण को ओपन आउट करेंगे। अभी आप देखेंगे तो लूट की घटना आसपास के जिलों में भी हुई है और कुछ कुछ प्राइमा फेसी जो मॉडल्स ऑपरेंडी मिलती जुलती है, दोनों में ही पीड़ित पक्ष को लाठी वगैरह से मारा भी गया। हम सभी एंगल से इसमें विवेचना कर रहे हैं और सर ने एक टीम बनाई है, अलग अलग जो प्रोफेशनली स्किल्ड अधिकारी उनको टीम में रखा गया है और इसमें फिजिकल एविडेंस साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस उन सबको हम लोग चेक कर रहे हैं। संभावना कि इसको जल्दी हम ओपन करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।